press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के राजकीय शिशु चिकित्सालय में एक नवजात शिशु की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे की मौत डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से हुई। अलवर के दाऊदपुर कॉलोनी निवासी राहुल ने इस मामले में शिकायत भी पुलिस को दी है। अस्पताल में मौजूद परिजन सपना ने इस मामले में डॉक्टर की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि 3 तारीख को उन्होंने बच्चा होने के बाद छुट्टी दे दी थी, लेकिन बच्चा स्वस्थ नहीं था और उसे हम 4 तारीख को वापस अस्पताल लेकर आए। इस दौरान बच्चे की हालत नाजुक होने के बावजूद उसे संभाला नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 3 दिन के नवजात को मुंह से झाग आने पर जब नर्सिंग कर्मी को बताया गया तो उन्होंने लापरवाही और परिजनों को झाग साफ करने की नसीहत दे डाली। कारण इनकी लापरवाही है और डॉक्टरों ने अभी पर्ची बनाई है कि इतने बजे हमने ट्रीटमेंट दिया है रात को और सुबह कुछ भी नहीं था। कब हुआ था बच्चा और क्या? बच्चा 1 तारीख को रात को हुआ था, यहाँ से छुट्टी मिल गई थी, उसके 2 घंटे बाद ही वापस लाना पड़ा हमको। फिर कहाँ रखा था डॉक्टर? मशीन में रखा था और सर वो कल करीब 5 बजे के आसपास दूध पिलाने गई थी बच्चे की माँ और 1-8 बजे गई थी, तो दोनों बार उसने बोला कि भाई बच्चे के मुंह से झाग आ रहे हैं तो इसको देख लो। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो देखा नहीं। किससे मिले आप लोग? हम उनसे मिले हैं, PMO से और उनसे मिल। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम करवा लो। डॉक्टरों की लापरवाही है, कर्मचारी? हाँ, कर्मचारियों की लापरवाही है, सब रिपोर्ट अभी बनाई गई है। क्यों दी गई जनाना अस्पताल से, जो हम 1 घंटे बाद फिर लेके भगे बच्चे को, उसके बाद चलो हम छुट्टी दे दी उन्होंने बच्चे को, उसके बाद हम 1 घंटे तक वहाँ पे लाइन में लगे रहे हैं बच्चे जनाना अस्पताल में, उसके बाद स्टाफ आ रहा है, स्टाफ की पर्ची काटो पहले, स्टाफ को भर्ती करो पहले, और आम जनता ऐसे ही खड़ी है, हम बच्चे को लेके ऐसे ही खड़े हैं 1 घंटे तक वहाँ पे लेके खड़े हैं हम, और जो भी आ रहा है बच्चे को देख रही नहीं रहा है। बच्चे से कहिए, माँ ने कही है कि इसके ना झाग आ रहे हैं, तो कह रही है मुँह पूछ के लिटा दो। ये कौन सा मतलब होता है? जब हमारी जच्चा बच्चा तबीयत खराब थी, हमने 1 तारीख को भर्ती करवाया था, रात को हमारा बच्चा हुआ था, 3 तारीख को इन्होंने छुट्टी दे दी, और उसके 1 घंटे बाद मैंने कहा तबीयत खराब है बच्चे की, तो 1 घंटे बाद हम फिर लेके आए। क्या मतलब था? जब बच्चा जच्चा बच्चा सही नहीं है तो छुट्टी देने का क्या मतलब है? रेफर कर दो आप, हाँ रेफर कर दो आप। और उसके बाद जब माँ ने बता दिया कि उसके बाद मुँह में से झाग आ रहे हैं, तो झाग आ रहे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए ना कि मुँह पूछ कर लिटा दो। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन बचता रहा। प्रभारी डॉक्टर झारेड़ा ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया और कैमरे से भी बचते नजर आए। वो जो बच्चा वगैरह लापरवाही से जो आप नहीं दोगे इस मैटर ना, मेरा मना कर रखा है, कोई आप मना कर रखा है? मैं समय राजस्थान न्यूज चैनल नहीं। परिजनों ने पुलिस में डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजन अपने नवजात शिशु को अपनी स्कूटी पर ही लेकर रवाना हो गए। मिस्टर राहुल राय हैं, उन्होंने हमारे चौक इंचार्ज को बताया कि उनका उसकी मिसेज 1 तारीख को एडमिट हुई थी सरकारी जनाना हॉस्पिटल में, जिनकी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के पश्चात बच्चा सही सलामत 3 तारीख को इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था, उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर वापस एडमिट करवाया था 3 तारीख को शिशु चिकित्सालय में, तो कल शाम तक सही था। कल सुबह उसकी आज सुबह अचानक उसकी मृत्यु होगी, छोटा बच्चा था, 3 दिन का शिशु था। इनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.